तो जी हाँ, जिसको भी एंड गेम देखकर ये लगा होगा कि वांडा कितनी ही पावरफुल हो सकती है, तो जाकर एक बार मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख कर आओ। आप भी इस कातिल हसीना जैसे दिखने वाली जादूगरनी की अदाओं में उलझ जाओगे। तो मैं अपनी सिंपिक साइड रख के बात करता हूँ इस वीडियो के टॉपिक की कि क्या हमारी वांडा मर चुकी है। इससे पहले हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के एंड के 10 मिनट का फट से रिकैप लेकर आते हैं। तो मूवी के एंड में वांडा पूरे मल्टीवर्स के डार्क होल्ड बुक को तबाह कर देती है और खुद की जान सेक्रीफाइस कर देती है। अब एक बार तुम ही सोचो, जो लड़की इल्यूमिनाटी के पूरे मेंबर्स को जान से मार दी, वो अपने मौत का बैकअप प्लान नहीं रखेगी? छोटी बच्ची हो क्या? और अगर आप एंड गेम वाला लॉजिक यहाँ लगाते हो, जब थैनोस ने अवेंजर्स फैसिलिटी पे मिसाइल लॉन्च किया था, तब उस ब्लास्ट में कोई नहीं मरा था, बल्कि अवेंजर्स ने उल्टा थैनोस को ही मार दिया। और इसी एमसीयू फिजिक्स को लगाकर हम स्कारलेट विच वाले सीन में देखे, तो जी हाँ, स्कारलेट विच जिंदा हो सकती है, या ज्यादातर चांस है कि वो जिंदा ही हो। अब एक बार हम कॉमिक्स में झांक लेते हैं कि क्या सच में वांडा वापस आ सकती है, या क्या कॉमिक्स में कभी वांडा मरी है? तो कॉमिक्स में वांडा बाकी सब कैरेक्टर्स के जैसे ही बहुत बार मर चुकी है, जैसे कि 2021 की टाइमलाइन हेलफायर में, जब स्कारलेट विच का मर्डर हो जाता है। जी हाँ, मर्डर। और इसके अलावा द ट्रायल ऑफ मैग्नीटो इन द एज ऑफ अपोकलिप्स टाइमलाइन में भी वांडा मारी जा चुकी है। पर ऐसा नहीं है कि स्कारलेट विच एमसीयू में मर चुकी है। यार, हमारी वांडा ने जिंदगी के नाम पे क्या ही देखा है, सिर्फ दुख, तकलीफ, पेन। और क्या आपको लगता है कि मार्वल कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे उसे सिर्फ दुखी देगा? मार्वल ऐसा नहीं है। तो चलिए होप करते हैं कि वांडा ना मरी हो, या एमसीयू वालों ने उनसे मारने का फैसला ना किया हो। खैर, वो तो पता चलेगा आगे की एमसीयू प्रोजेक्ट में। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।